तो उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका अडाप्टर प्लग इन किया हुआ है, ठीक है, चार्जिंग की लाइट ऑन है इसकी, तो ये पावर वाला बटन जो है ना, तो क्या कर रहे हैं, लाइट ऑन हुई है, साथ ही ऑफ हो गई है, फिर ऑन हुई है, फिर ऑफ हो गया, इसी तरह जो है ना ये ऑन ऑफ हो रही है लाइट, और डिस्प्ले जो है ना इसका किसी किस्म का नहीं आ रहा। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, पवेलियन सीरीज़ है, i5 8th जनरेशन में। तो उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका अडाप्टर प्लग इन किया हुआ है, ठीक है, चार्जिंग की लाइट ऑन है इसकी, तो ये पावर वाला बटन जो है ना, तो क्या कर रहे हैं, लाइट ऑन हुई है, साथ ही ऑफ हो गई है, फिर ऑन हुई है, फिर ऑफ हो गया, इसी तरह जो है ना ये ऑन ऑफ हो रही है लाइट, और डिस्प्ले जो है ना इसका किसी किस्म का नहीं आ रहा। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, चलिए इसका बैक कवर ओपन करते हैं। वो ये चेक कर रहे हैं, इसका फ़ैन जो है ना ऑन होता है, साथ ही ऑफ हो जाता है, फिर ऑन हुआ है, फिर ऑफ हो गया, इसी तरह ये इसकी लाइट्स है फ्रंट बटन की, ऑन होती है, साथ ही ऑफ हो जाती है, ये चार्जिंग की लाइट भी इसी तरह ब्लिंक करती है इसकी, जैसे ही लैपटॉप ऑन होता है तो, ठीक है। तो चलें देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसकी बैटरी जो है ना हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर ली है इसकी, क्योंकि कई दफ़ा पावर सेविंग का प्रॉब्लम हो जाता है, सेल ओवर चार्ज हो जाते हैं या बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये देखने में आया अमूमन। तो अब इसको ज़रा ओपन करके ये इसका लगाते हैं, अब अडाप्टर प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये अडाप्टर प्लग इन किया हमने, ये चार्जिंग की लाइट वाइट हो गई है, ठीक है, पहले हो रही थी, वो बैटरी चार्जिंग की लाइट थी, बैटरी नहीं है तो बिल्कुल वाइट है। इसको ये टर्निंग ऑन करते हैं, इधर से बटन ऑन किया, ये इसकी लाइट ऑन हुई है, ठीक है, फ़ैन चल गया, ये स्टिल अभी फ़ैन चल रहा है इसका, लाइट भी इसकी स्टिल ऑन है। कैप्सुला की लाइट अब ब्लिंक कर रही है इसकी, ठीक है, 3 बार लाइट ब्लिंक करती है, 1 2 3, 2 दफ़ा जो है ना शॉर्ट, 3 लॉन्ग 2 शॉर्ट बीप है इसकी। तो वो ज़्यादातर तो रैम्स की आती है, ये रैम अब फाइनल कर लेंगे हम इसकी, रैम्स को लगाएंगे दूसरे वाली, 8 GB DDR4 RAM लगी हुई है इसको, तो रैम दूसरी लगाएंगे इसको, लेकिन उससे पहले ये इसकी SSD लगी हुई है, ये SSD हम ओपन कर लेंगे, उतार लेंगे। अभी रैम फाइनल कर लेंगे इसको, रैम दूसरी लगा के, ये रैम लगाई है इसको, ठीक है। तो अब इसकी कैप्स लॉक की लाइट जो है वो ब्लिंक नहीं कर रही, पावर वाली लाइट जो ना ऑन है, तो थोड़ा सा इसको चलने देंगे और फाइनल कर लेंगे, क्योंकि ये लेंस ये डिस्प्ले इसका आ गया, ठीक है, वो रिसेट होता है मामला ऑन ऑफ करके, उसके बाद जो है ना इसका डिस्प्ले वगैरह आता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बाकी ये डिस्प्ले इसका आ गया, अब इसको वेरीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। अब ये M2 कार्ड जो है ये लगा लेंगे, ठीक है, और ये रैम इसकी ओके है, M2 कार्ड लगा के इसको तो फाइनल कर लेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाह, अब ये लगाएंगे इसको M2 कार्ड, ठीक है, ये स्क्रीन लगा लेंगे इसको, पैकिंग कर लेंगे इसकी ज़रा। देखिए ये कंप्लीट पैक हो गया, ये टर्निंग ऑन की है अभी,
अपडेट्स के भंडारा उन हो रही है, तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।